Hey guys, this is Saurabh and you are watching Inspection Planet. In this video, we talk about some banned popular Chinese apps in India. So, आज मैं बात करूंगा चाइनीज एप्स जो इंडिया में बैन हो चुके हैं उनसे रिलेटेड जो कंटेंट शेयर करता है उन्हीं से रिलेटेड जो एप्स हैं उसकी मतलब जो जैसे कि कोई एप्स जो बैन हो गया उसकी जगह में जो ऐप आ रखा है इंडिया का वो बताऊंगा मैं आज आपको कि कौन सा आप ऐप यूज कर सकते हो उस कंटेंट की जगह उस ऐप की जगह। तो बात करते हैं पहले ऐप्स के बारे में। लेकिन पहले ऐप्स से बढ़ने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा अगर आप वीडियो में पहली बार आए हैं चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो लाइक कीजिए कमेंट करिए और नोटिफिकेशन बेल दबा लीजिए क्योंकि जिससे हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल चुके हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले ऐप्स की। जो हमारा पहला ऐप्स है वो है एक टिकटॉक से रिलेटेड क्योंकि टिकटॉक एक ऐसा ऐप था जो बहुत ही फेमस बहुत ही पॉपुलर ऐप्स हो चुका था इंडिया में और इंडिया में नहीं बाहर की कंट्री में भी काफी यूज हो रहा था। वो बात करें ऑस्ट्रेलिया अमेरिका काफी इस साइड भी वो ऐप बहुत यूज हो रहा था। तो सबसे पहले टिकटॉक के ही जगह में जो ऐप आए हैं इंडिया ने लॉन्च करे हैं इंडिया में ही लॉन्च हुए हैं तो उनकी बात करते हैं सबसे पहले। तो टिकटॉक की जगह आप कई सारे आपको ऑप्शन मिल जाते हैं ऐप। जो सबसे पहले जो मैं ऐप बताता हूँ वो ऐप है रोसुपो करके। वो ऐप्स है बहुत ही अच्छा ऐप्स है कमाल का ऐप है और इसको जो ये रोसुपो ऐप से बनाया था ये गुड़गांव में बना हुआ है। गुड़गांव में ही इसकी जो एक डेवलपर था उसने ये ऐप की शुरुआत करी है तो बहुत ही अच्छा ऐप है। आप इसकी तरफ भी जा सकते हैं और इसमें भी ऐसी कंटेंट रिलेटेड वीडियो मिलती है आपको स्मॉल छोटी छोटी जो क्लिप आती है वीडियो की वही आप बना सकते हो खुद शेयर कर सकते हो। बहुत सारे इफेक्ट बहुत सारे चीज़ें आपको इसमें मिल जाएंगी और साथ में ही आपको काफ़ी ट्रिम के ऑप्शन भी इसमें मिल जाएगा और एडिटिंग का ऑप्शन भी इसमें मिल जाएगा तो बहुत अच्छा ऐप है आप इसकी तरफ भी जा सकते हैं। और बात करें गाइस जो हमारा दूसरा ऐप्स है वो भी इसी टिकटॉक से रिलेटेड ऐप्स है और इस ऐप का नाम है बोलो इंडिया। बोलो इंडिया करके ऐप है और इसको जो स्टार्टअप है मुंबई की एक कंपनी से स्टार्टअप द्वारा इसे लॉन्च किया गया है तो बहुत ही अच्छा ऐप है। ये भी दूसरे नंबर का मैं ऐप कहूंगा इसे रोसोपो के बाद क्योंकि ये भी बहुत अच्छा है। इसकी भी काफी मिलियंस डाउनलोड है शायद 1 मिलियन या 2 मिलियन अभी इसके डाउनलोड है आप प्ले स्टोर में जाके चेक कर सकते हो। और ये जो जितने भी मैं ऐप आपको बता रहा हूँ ये आपको इजिली प्ले स्टोर iOS दोनों में अवेलेबल हो जाएंगे। तो बात करते हैं इस बोलो इंडिया ऐप की तो ये भी बहुत अच्छा है। इसमें आपको न्यूज शेयरिंग और रिलेशनशिप जैसे न्यूज फीड इंग्लिश लर्निंग जैसे कई सारी फीचर्स आपको इस ऐप में मिल जाते हैं और इंटरनेशनल न्यूज बिजनेस रिलेटेड यू काफी क्लिप वीडियो की आपको मिलती रहती है तो बहुत ही आप इसको इंजॉय कर सकते हैं इसको भी डाउनलोड करके तो बहुत अच्छा ऐप है मैं ये कहूंगा। और साथ में अपनी लर्निंग स्किल भी बढ़ा सकते हैं जिससे जैसे कि इंग्लिश लर्निंग स्किल है या हिंदी लर्निंग जो भी आप लैंग्वेज सीखना चाहते हो जिस लैंग्वेज में आप सीखना चाहते हो वो सीख सकते हो तो बहुत ही अच्छा कंटेंट शेयर करता है और आप खुद का भी इसमें कंटेंट डाल सकते हो तो बहुत अच्छा ऐप है आप इसे भी डाउनलोड कर सकते हो। तो गाइस बात करते हैं अब अगले ऐप्स के बारे में। ये ऐप ऐसा है यानी कि मैं अगर कहूँ तो टिकटॉक से भी बेहतर ये ऐप है बहुत ही अच्छा ऐप है यानी कि उससे अच्छे फिल्टर देता है उससे अच्छी एडिटिंग देता है उससे अच्छी ट्रिम कर सकते हो वीडियो को आप और बहुत सारे ऑप्शन इसमें अवेलेबल हैं बहुत सारी चीज़ें आप इससे कर सकते हो एडिटिंग वगैरह ट्रिम करना हो वीडियो को कुछ कट एंड पेस्ट करना हो सारी चीज़ें इस ऐप में अवेलेबल हैं। तो इस ऐप का नाम है चिंगारी ऐप। चिंगारी ऐप्स करके ये ऐप प्ले स्टोर में आपको मिल जाएगा और साथ में iOS में भी मिल जाएगा। और बात करो इसके स्टार्टअप की तो कर्नाटक और उड़ीसा के जो डेवलपर्स है उन्होंने छत्तीसगढ़ में जाके छत्तीसगढ़ की जो IT कंपनी है उनके साथ मिलकर प्रोफेशनल तरीके से काम करके ऐप के डेवलप किया है तो बहुत ही अच्छा ऐप है इंडियन ऐप है ये भी। और इसमें जो इसकी डाउनलोड है अभी 6 मिलियन या 7 मिलियन के करीब ये पहुंचने वाला है डाउनलोड और बहुत ही अच्छा ऐप है। और जैसे ही टिकटॉक बैन हुआ था उसके बाद बहुत जल्दी इसकी जो डाउनलोड है उसमें काफी इजाफा हुआ था तो बहुत अच्छा ऐप है आप उसकी जगह इसे भी यूज कर सकते हैं बहुत नंबर वन ऐप है अभी। सो गाइज बात करते हैं अब अगले चौथे ऐप्स के बारे में। तो ये भी काफ़ी पॉपुलर ऐप्स है मित्रों नाम से ये ऐप्स है इजीली गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर में आपको मिल जाएगा iOS के तो बहुत अच्छा ऐप है आप इसकी तरफ भी जा सकते हैं। कम से कम इसकी 10 मिलियन अभी डाउनलोड हो चुके हैं यानी कि 1 करोड़ तक यूजर्स ने इसे डाउनलोड कर लिया है बहुत अच्छा ऐप है। टिकटॉक के साथ ये ऐप्स लॉन्च हुआ था लेकिन इसने कुछ प्ले स्टोर मतलब जो गूगल प्ले स्टोर का था उसका शायद कुछ नियमों का उल्लंघन किया था तो इस वजह से इसे सस्पेंड कर दिया गया था इस ऐप को। लेकिन बाद में जब इसके ऊपर से सस्पेंड हट गया तो वापस आ गया और अपने यूजर्स के बीच में काफ़ी पॉपुलर हो चुका है ऐप तो आप इसकी तरफ भी जा सकते हैं। और इसमें काफ़ी एडिटिंग और ट्रिम कलर फिल्टर वगैरह काफ़ी ऑप्शन आपको इसमें मिल जाते हैं गानों की क्लिपिंग हो मिक्सिंग हो हर चीज़ का ऑप्शन इसमें अवेलेबल है तो आप इसकी तरफ भी जा सकते हैं बहुत अच्छा ऐप है। तो गाइस यही थी हमारी लिस्ट टिकटॉक की जगह में 4 मैंने आपको ऐसे ऐप्स बताए हैं जो काफ़ी पॉपुलर हैं इस समय युवाओं के बीच में और लोगों के बीच में तो बहुत अच्छे ऐप है आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं उसकी जगह में तो बहुत अच्छा ऐप है। तो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं अगली वीडियो में और वीडियो को लाइक कीजिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसे लगी। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।